जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब को लिया हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहा है और ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उन्हें आज जेल में रहना पड़ रहा है। ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के साजिश और षड्यंत्र किया है, लेकिन इस तरीके से राजनीति में समय आंटी पकड़ो, किसी से बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे आज? इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उन पर तमाम मुकदमे लगे हैं और संयंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। क्योंकि पूरा परिवार है और पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, बेटे के भी हाथ में चोट है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ का प्रशासन, खासकर जेल का प्रशासन, जो मैनुअल के तहत जो ऑर्डर में सहूलियत दी गई है उन सहूलियतों को सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को डरा के राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैला करके वोट का लाभ लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान या धर्मों में दूरियां कैसे बने उसको बांट करके राजनीति करना चाहते हैं।